गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर आफ्टर योर समर वेकेशन। आई होप इन द समर वेकेशन लाइक यू वर एट होम एंड यू स्टेड वेल। सो द चैप्टर नंबर इज चैप्टर नंबर 15, द परफेक्ट टेंसेस। ठीक है, आपने टेंसेस पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इस क्लास 6 में आप थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो अब आप द परफेक्ट टेंसेस पढ़ेंगे। गॉट इट? सो आपके जो परफेक्ट टेंस है वो आपका तीन कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आप समझेंगे कैसे कि कौन सा सेंटेंस आपका परफेक्ट है, यानी कि यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि आप कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस आपका परफेक्ट है। सो इन हिंदी, लाइक जो भी आपके सेंटेंसेस की आपने देखा होगा कि जो भी आप सेंटेंस का यूज़ भी करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में, तो इन हिंदी में आपके जो सेंटेंसेस हैं उनकी एंडिंग हमेशा चुका है, चुका था या चुके होंगे से होता है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे वह काम कर चुका है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? चुका है। तो इट मीन्स द सेंटेंस विल बी अ परफेक्ट टेंस। ठीक है, और पास्ट टेंस में वह काम कर चुका था, फ्यूचर टेंस में वह काम कर चुके वह काम कर चुका होगा। ठीक है, बट इन इंग्लिश, ठीक है, वी ऑलवेज आइडेंटिफाई विद द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हम करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जो कि है आपकी हैज और हैव। ठीक है, हैज आपकी हमेशा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होती है, और हैव हमेशा आपकी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होती है। पास्ट टेंस में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है हैड। फ्यूचर टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है विल हैव और शैल हैव। शैल हैव का आजकल ज्यादा यूज नहीं होता है, सो यू विल यूज विल हैव ओनली। ठीक है, अब आपको पता है कि सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, राइट? आपने ये चीज पहले भी पढ़ी है, जैसे सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कोई सी भी हो सकती है, इजामा, वॉज, वर, हैड, विल, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस। देन मेन वर्ब, कुक, रन, ईट, लाइक दिस। देन लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के में आप सेंटेंसेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे मैं परफेक्ट लिख दिया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको ध्यान रखना है, क्या कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? आपका सब्जेक्ट, देन हैज हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है, रवि हैज डन हिज वर्क। रवि इज सिंगुलर, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। ठीक है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज हो जाएगा, आपका नॉट ऐड हो जाएगा। सो आपके स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आपका ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इट विल बी, अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस विल बी रवि हैज नॉट डन हिज वर्क। गॉट इट? और इंटरोगेटिव में क्या होता है आपका? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप ध्यान रखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका हैज हैविस में सबसे पहले आ जाएगा, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस देखिए, जैसे ये वाला देखिए, जैसे दे हैव गॉन, तो अगर हमें इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? Have they gone? Question mark. Right? Now,
नेक्स्ट है पास्ट टेंस। इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपका सेम रहेगा, तो इसमें आपको बार बार एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो पास्ट टेंस का जो आपका कंस्ट्रक्शन होगा, जब आप सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपके क्या फॉर्म रहेगी वो ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, गॉट इट। नेगेटिव में नॉट लग जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका जो हैड है वो आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, ठीक है। हैड आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे रवि हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, गॉट इट। सो हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। देन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आपका विल हैव लगेगा, विल हैव यू विल यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस, नाउन और प्रोनाउंस, ठीक है। द फॉर्म विल बी सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। And the example will be like mother will have cooked the food. Got it? So I hope you got it. So आपकी बुक में चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल वाइज दिखाया गया है। पेज नंबर 75, ठीक है, द परफेक्ट टेंसेज। अगर आपको हल्के से भी कुछ भी डाउट लगता है देन यू कैन रीड द चैप्टर, इसमें थोड़ा और डिटेल वाइज है, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद द बुक एक्सरसाइज, ठीक है। यू विल हैव दोज हु हैव परचेज द बुक, सो दे विल फिल ऑल द एक्सरसाइज इन देयर बुक ओनली। लेकिन अगर जिसने बुक नहीं ली है वो ध्यान रखिए, वो दे कैन डू देयर वर्क इन देयर नोटबुक्स, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। द परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस भी मेंशन है, थोड़ा डिटेल वाइज है। देन बुक एक्सरसाइज, लास्ट में द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन बुक एक्सरसाइज, गॉट इट। अब एक चीज आपको और करनी है, यू विल हैव टू गो ऑन द पेज नंबर 121, पेज नंबर 125 सॉरी। इसमें आपको एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, जो कि आपका बहुत ही मेन चैप्टर है, इसमें आपको ये करने हैं अपनी नोटबुक में या लर्न करने हैं, डिपॉजिट से लेकर इक्वल तक, ठीक है। एंड सिनोनिम्स आपको करने हैं कंसील्ड से लेकर स्टैब्लिश तक, गॉट इट। ये दो चैप्टर हैं आपके, दैट विल यू हैव टू डू। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।